वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर नेक्स्ट क्लास टू द फिजिक्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रेन क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, हुक्स लॉ क्या होता है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व वो क्या होता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक साइड पे स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस मतलब आपने अपने वाला नहीं लेना है, फिजिक्स वर्ल्ड में समझना है इसे, वैसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो वन साइड, ऑन वन साइड वी पुट स्ट्रेस एंड ऑन अनदर साइड वी टेक स्ट्रेन। क्या होगा, तो पहले सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला रीजन यहाँ पे हैं हम, ओ पॉइंट पे शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्ट्रेन क्या होगा वो देखना है। तो पहला लिमिट आती है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनल हैं ये दोनों, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो आप जैसे जैसे ओ से स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे लीनियरली स्ट्रेन बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन सा रीजन है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ पी, ओ पी क्या होगा, पी इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स कि यहां तक स्ट्रेन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक हो गया, ओके पहला पॉइंट हो गया। तो स्ट्रेन बढ़ाओ, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, उस हिसाब से ये आगे चलता है। ओके इसके बाद क्या होगा, यहां तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद क्या होता है, आगे स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ता तो है लेकिन वो लीनियर नहीं है। मतलब आप स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हो और स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से स्लोप से देख सकते हो, एक चीज़ स्लोप समझ लो। स्लोप क्या होता है, जैसे आपको पता है ना डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज स्लोप, वाई एक्स इज इस तरफ है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, स्लोप क्या होगा, दिस एक्सिस ऑन दिस एक्सिस, ये होगा। यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट, जो वाई एक्सिस की तरफ है डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस की तरफ है, चेंज इन दिस अपॉन चेंज इन दिस, दिस इज वी नो दिस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मॉडुलस ऑफ elasticity here, the slope of this curve is given by modulus of elasticity, right? तो हम slope देख रहे हैं। तो आप अगर बोल रहे हो कि थोड़े से stress से ज़्यादा strain बढ़ रहा है तो उसका slope कैसा देखना है, ऐसे देखना है, और अगर कम strain बढ़ रहा है तो उसको नीचे की तरफ रखना है, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ झुकाना है या वर्टिकल की तरफ झुकाना है। दिस विल इंक्रीज और डिक्रीज द स्लोप और द इलास्टिक वैल्यूज, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, ई पॉइंट तक, ई पॉइंट नाम दे देता हूं मैं इसे, ई पॉइंट तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल नहीं रहता, इलास्टिक तो है। दिस ई इज नोन एज सेकेंड लिमिट, इज सेकेंड पॉइंट इज ई, E is, what is this E? This is elastic point, or OE is basically elastic limit. इसका मतलब कि अगर आप यहाँ तक देखोगे कि elastic means to capacity to restore its original configuration, उसे लेते हैं हम, या tendency to oppose the change, उसे लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, elastic limit में क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ तक, इस लिमिट तक बढ़ा के खींच के या कंप्रेस करके छोड़ देते हो, तो वो वापस
अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा. दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एन इलास्टिक बॉडी, राइट. वो अचीव कर लेगा, यहाँ से वापस आ जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसी पाथ पे वापस आएगा EPO पे और पहुँच जाएगा. इस तक की लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. इसके बाद शुरू होगा प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक लिमिट. इसमें क्या होगा, इसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो लेट्स से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं, तो अब मान लो आप इस पॉइंट पे ले जाके किसी को छोड़ देते हो तो क्या होगा, वो वापस O पे नहीं आएगा. तो A तक इलास्टिक लिमिट थी, E तक इलास्टिक लिमिट थी, तो अगर आप यहाँ पे डिफॉर्म्ड फोर्सेस को हटाओगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, स्ट्रेन विल बी जीरो. लेकिन अगर A पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इन द प्लास्टिक रीजन, अगर A पॉइंट पे जाके आप उसको छोड़ते हो तो वो वापस O पे नहीं आएगा, इट विल रीच टू सम अदर पॉइंट दैट इज़ O डैश. तो उसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह गया, परमानेंट स्ट्रेन उसमें रह गया, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, परमानेंट कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं, जीरो स्ट्रेस पे भी उसमें परमानेंट कुछ स्ट्रेन रह जाएगा, वो प्लास्टिक रीजन में आ गए आप, ठीक. इसके बाद अगर हम और ज़्यादा आगे देखें इसके, तो इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये तो यील्ड पॉइंट हो गया, इसके बाद पॉइंट आता है एक सी, लेट इट बी सी, एंड देन वी विल सी द अनदर पॉइंट दैट इज बी. बी तो नाम से ही क्लियर है, इट विल बी ब्रेकिंग पॉइंट. सी तक क्या होता है, यहाँ पे ई के बाद जब प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ तक क्या था, ई तक इलास्टिक रीजन, इलास्टिक दिस वन. इसके बाद क्या है, प्लास्टिक रीजन. प्लास्टिक रीजन में क्या रहता है कि अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और आप देखोगे वर्चुअली स्ट्रेस बहुत कम इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. जैसे पहले क्या था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, ऊपर जा रहा है ना, लेकिन स्ट्रेन कम है. अब क्या वो इतना आगे जा रहा है, इट मीन्स स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इवन फॉर अ वेरी लेस इंक्रीज इन स्ट्रेस, ठीक है. इस तरह से ये, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन. और दूसरी चीज़ इसमें कि अगर यहाँ पे आप कहीं पे भी छोड़ोगे तो परमानेंट स्ट्रेन तो है ही है, वो रह गया, वो उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है. तो इसमें ये पॉइंट आता है, इसे यील्ड पॉइंट बोलते हैं. यील्ड पॉइंट ए को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट. ए इज़ द यील्ड पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसके बाद वर्चुअली आप उतना ही स्ट्रेस लगा रहे हो जितना पहले था, उतना ही स्ट्रेस है वर्चुअली, उतना ही है ऑलमोस्ट जितना मास आपने टांगा हुआ था. जैसे ये स्प्रिंग पे हमने मास लगाया, ये स्ट्रेस लगा दिया, ये इसे नीचे को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ये डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है. लेकिन अब ऐसा हो गया, ये इतना ज़्यादा लिमिट प्लास्टिक रीजन में एंटर कर चुका है कि अब आप अगर और मास नहीं भी लगाओगे, स्ट्रेस और नहीं भी बढ़ाओगे, तब भी ये बढ़ता ही जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ती ही जाएगी. जैसे स्प्रिंग एक लेवल के बाद खुल ही जाता है, वापस आता नहीं है, खुल ही जाता है. या फिर आप च्युइंगम होते ना, जैसे खींचते रहो लंबा होता जाता है, इट्स समथिंग लाइक दैट. इस पॉइंट के बाद ऐसा होता है. और जब वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचता है, जब उस पर ब्रेकिंग स्ट्रेस लग जाता है, तब क्या हो गया, तब आप स्ट्रेस हटा भी लोगे ना, अगर आपने बॉडी हटा भी ली. ये देखो यहाँ पे देखो, इसके बाद स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मींस आपने वो डिफॉर्म्ड फोर्सेस हटा लिए. इवन देन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे तक बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रेन उसमें इंक्रीज होता जा रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं लगा हुआ, जो डिफॉर्म्ड फोर्सेस लगे थे वो हटा लिए, फिर भी
फिर भी उसमें जो स्ट्रेन है वो बढ़ता जा रहा है, आगे तक इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बॉडी टूटने वाली है, टूट चुकी है या टूटने वाली है। ठीक हो गया, इतना ही है इसमें। तो आपको देखना है इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, परमानेंट स्ट्रेन क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा होता है। उसके बाद वो चीज़ टूट जाती है, आप स्ट्रेस नहीं लगा रहे फिर भी वो खींची जा रहा है और इवेंचुअली टूट जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से पता लगता है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें और जो सीखने वाली हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप देखो तो कुछ सारे, जैसे मेटल्स में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमें वायर्स चाहिए होती हैं तो हम चीज़ों को खींच खींच के, मेटालिक प्रॉपर्टी है ये, मेटल्स को खींच खींच के लंबी वायर्स बनाते हैं। वायर्स बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऐसा तो ना हो ना हम थोड़ा सा खींचें और वो टूट जाए। तो हमें बेसिकली जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज, दोज मेटल्स, दोज काइंड ऑफ मटीरियल्स आर यूज्ड टू फॉर्म वायर्स। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ये जो है मेलेबिलिटी भी पढ़ा हुआ आपने, डक्टिलिटी भी पढ़ा हुआ है, ये आप मेटालिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते आए हो। तो जिन्हें खींच के लंबा कर सकते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट्स के बाद भी, इलास्टिक लिमिट्स के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, वो टूटेंगे नहीं, उनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है। और लेट अस सपोज किसी का ब्रेकिंग पॉइंट यहीं हो जाए कि आप थोड़ा सा निकलो और चलो जी हो गया काम, फिर क्या करेंगे, फिर वो वायर्स बनाने में नहीं यूज़ हो सकता। पता लगे तार खींची, थोड़ी सी और खींची और बाहर टूट गया, वो वायर्स बनाने में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, एक मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आपको आंसर तो कर दिया था, डिटेल में बात नहीं की थी, डिटेल तो नहीं है, यहाँ से आपको पर एक और पॉइंट पता लगेगा कि रबर और स्टील में ज़्यादा इलास्टिक कौन है। तो हमने एक बात तो सीख ली थी कि इलास्टिसिटी सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो अपने खींचने पे वो वापस आ रहा है। ठीक है, खींचने पे वापस वो आता है, रबड़ आता है ना, इलास्टिक लिमिट है। लेकिन उसमें एक और ख़ास बात है रबड़ में ख़ास बात ये है कि वो उसका प्लास्टिक रीजन जो है ना, प्लास्टिक रीजन कौन से वाला, इलास्टिक लिमिट के बाद, वो जीरो है, वो ऑलमोस्ट जीरो है। मीन्स कि अगर आप उसे ई के बाद अगर उस पर आप स्ट्रेस लगाओगे तो वो टूट जाएगा। मतलब खींच रहे हो जब तक खींच रहे हो, जब तक वो खिंचवा सकता है, जब तक वो अपने आप को वापस लेके आ सकता है, उस लिमिट तक वो आप छोड़ोगे वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, छोड़ोगे वापस शेप में आ जाएगा। लेकिन जब उसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई तब क्या होगा, इमीडिएटली पटक टूट जाएगा। राइट, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जिनका ऑलमोस्ट ज़ीरो प्लास्टिक रीजन होता है, ये मटेरियल यानी कि रबड़, इसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। राइट, इलास्टोमर, इसको हम बोलते हैं इलास्टोमर। तो सिंपल था, इतना ही है। अगर प्लास्टिक रीजन कैसा है कैसा नहीं है, इलास्टिक रीजन कैसा है कैसा नहीं है, इसके हिसाब से हम अपना अलग अलग मटेरियल को चूज़ कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल को कहाँ पे यूज़ करना है। इतना ही है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में। ये कर्व आपको आती होनी चाहिए। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है कहाँ तक नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इसमें आपको ये भी बताओ कि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है, इसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ तक स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं है। पी पॉइंट से मैंने प्रोपोर्शनल को लिखा है, ई से मैंने इलास्टिक को लिखा है, बी को मैंने ब्रेकिंग से लिखा है। तो इस तरह से आपको ये टर्म्स याद रह जाएंगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह जो हमने पढ़े थे, उनका कहाँ पे एप्लीकेशन किस तरह से आता है, उसमें कितना काम होता है। वर्गडन वगैरह का निकालने का एक आर्टिकल है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का एक आर्टिकल है, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम सीखेंगे, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं इन चीज़ों की उसकी भी हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो, अच्छे से समझ के आओ, पढ़ के आओ,
कोई डाउट है तो अगली क्लास में बात करते हैं, डाउट मेरे पास लिख मेरे को दे देना और अगली क्लास में बातचीत करेंगे उसकी, ठीक है? चल ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं हम।